तो एक छोटी सी अपडेट है, सोचा वीडियो बना के बता दूँ, ज़रूरी था वीडियो बनाना। तो आने वाले दिनों में मुमरा बाईपास रोड और रेती बंदर रोड पूरी तरह बंद होने वाला है। 6 और 7 मार्च को ये रोड पूरा बंद होने वाला है। उसका रीज़न है, आगे वीडियो में आपको बता देता हूँ, उसका रीज़न भी बता देता हूँ। पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि यहाँ से लोग बहुत जॉब के लिए निकलते हैं, तो ये रोड पूरी तरह बंद होने वाला है। क्योंकि जो आप सामने देख रहे हो जो रेलवे का जो पुल है, तो वो उसके लिए रोड पूरी तरह बंद होने वाला है। वो पुल का काम होने वाला है 6 और 7 तारीख को, यानी मार्च को, कल और परसों ही। तो डे नाइट इसका काम चालू होने वाला है, तो ये रोड पूरी तरह बंद होने वाला है। तो यही है इसका रीज़न। और यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक ये रोड का पूरा डे नाइट काम होने वाला है 6 और 7 तारीख के बीच में। तो यही एक अपडेट बात थी, एकदम छोटी सी बात थी, पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये रोड पूरी तरह बंद होने वाला है। और क्योंकि यहाँ से ठाणा के लिए बहुत सारे लोग जॉब के लिए जाते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाला है 6 और 7 तारीख को। तो यही वीडियो था, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, आगे भी जाके मैं पूरा वीडियो आपको बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ठाणा के लिए मुमरा बाईपास और रेती बंदर का इस्तेमाल होता है, यहाँ से यातायात होती है। तो 6 और 7 तारीख को पूरी तरह यहाँ की यातायात बंद होने वाली है, ना बाइक जाने वाली है ना फोर व्हीलर। तो 6 और 7 तारीख को पूरी तरह ये रोड बंद होने वाला है। तो ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड फैमिली सबको शेयर कर देना और दिखाना कि ये रोड पूरी तरह बंद होने वाला है। ये सामने है ठाणा और मेरे लेफ्ट साइड में कलवा पारसिक नगर, और सामने का जो देख रहे ये जाता है ठाणा के लिए। एक छोटी सी एक अपडेट थी, मैं बताना ज़रूरी समझा कि एक वीडियो बना दूं और बता दूं कि रेती बंदर और मुमरा बाईपास 6 और 7 तारीख को बंद होने वाले हैं। जो आप देख रहे मेरे सामने जो पुल का, जो रेलवे पुल का जो काम है, वो 6 और 7 तारीख को डे नाइट काम करने वाले हैं। मतलब आज तारीख है 5 तारीख, तो 6 और 7 तारीख को मतलब कल और परसों काम चालू होने लगा है। जैसे आप देख रहे हैं मुमरा बाईपास बंद, ऐसे बैनर जगह जगह बैनर लगा के रखे हैं। तो देख लो ये सामने जो दिख रहा है ये पुल, एक मिनट में गाड़ी खड़ी कर देता हूँ यहाँ पर। तो सामने यहाँ से यहाँ तक पूरा डे नाइट इसका काम चालू होने वाला है 6 और 7 तारीख, और वहाँ से यहाँ तक ये पुल का काम चालू है। तो रोड पूरी तरह बंद होने वाला है, तो यहाँ की यातायात पूरी तरह बंद होने वाली है। ठाणा से डोंबोली से ठाणा कोई यातायात नहीं होने वाली। तो आपको पर्यायी मार्ग जो दिखाया है, मतलब कि कल्याण फाटा से आपको जो ठाणा जाना है, तो कल्याण फाटा का है, कल्याण फाटा शिलपाड़ा जो रोड है वहीं से जाना पड़ेगा 6 और 7 तारीख को सिर्फ। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दूँ, बता दूँ कि 6 और 7 तारीख को मुमरा बाईपास रोड और रेती बंदर रोड पूरी तरह बंद होने वाला है। ठाणा के लिए जो भी लोग निकलते हैं मुमरा से डोंबोली से, वो 6 और 7 तारीख के बीच नहीं जा सकते, उनको कल्याण फाटा शिलपाटा मार्ग जो एरोली मार्ग है वहीं से ही जाना पड़ेगा। तो देख लो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना गाइस। और मैं ऐसे ही कुछ अपडेट बातें लाते रहता हूँ, मुझे ये ज़रूरी लगा कि ये आप लोगों तक बताना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और निकल पड़े हैं हम अपने सफ़र के लिए। ये रहा मुमरा बाईपास, एक छोटी सी अपडेट थी, और लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार देते रहना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।